स्वागत करता हूं आपका एक नए फ्रेश वीडियो में। और आज हम जाने वाले हैं एक और भी अच्छी जगह अयोध्या में, जो कि सरयू नदी है। सरयू नदी काफ़ी पुराना नदी है और बहुत ही फेमस नदी है, जो कि आप सभी लोग नाम सुने होंगे। तो आज हम जाने वाला हूं सरयू नदी, और हमारे दोस्त भी साथ में जा रहे हैं। और पीछे का बैकग्राउंड देख लो, और हम हैं अयोध्या में। ये देखो एकदम फोटो सेशन लोग कर रहे हैं, और चलते हैं सरयू नदी और दिखाते हैं आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे नज़ारे। तो वीडियो को अभी एक लाइक कर दो। ले सरयू नदी पर आ गए हैं और आपको दिखाने वाला हूँ सरयू नदी, जो कि हिमालय से चल के आता है। और काफ़ी अच्छा ये नदी है और काफ़ी पुराना नदी है, जो कि हमने बताया और आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हो पहले तो ये घाट है, और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। अभी हम बैक कैमरे से दिखाते तब आपको इसकी खूबसूरती और भी दिखेगी अच्छी तरीके से। यहाँ से हम आपको सरयू नदी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सरयू नदी है। और ये देखो, और ये पुल है आने जाने के लिए उस पार। तो ये नदी काफ़ी बड़ी है, और इस नदी पे आपको घूमने के लिए नाव भी मिल जाएगा, जहाँ से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी जा सकते हैं और नाव का भी एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक लाइन से है, जो कि आप बीच में जाके घूम सकते हैं या उस पार जा सकते हैं, जैसे बनारस में होता है। और घूमने के लिए पर्याप्त मात्रा में नाव भी है, जिससे आप नाव की सवारी कर सकते हैं और चारों तरफ आप जा सकते हैं कहीं भी जाना हो आपको। यहाँ पर मार्केट भी आपको मिल जाता है खाने पीने के लिए, या कुछ प्रोडक्ट आपको लेना है तो ले सकते हैं। ये पीछे है, अभी हम चल के दिखाएंगे आपको। मार्केट भी कर सकते हैं आप लाइन बाय लाइन, और देख सकते हो। सरयू नदी, जो कि बहुत ही पुराना नदी आप लोग जानते हैं, हमने आपको बताया भी। और एक बार हम इधर थोड़ा आके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा और दूर जाके कैसा दिख रहा है। और ये पूरी घाट ही घाट है, जहां पर लोग स्नान करते हैं और पूजा के सामग्री भी यहां पे मिलती है। और ये देखो, तो वीडियो के यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, नए मेहमानों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।